special names given to people places pets days months organizations etc are known as proper nouns students i have already told you that special name given to a person place animal thing pets days months organizations these all are known as proper nouns फॉर एग्जाम्पल जॉन द क्लाउन एंटरटेन्स पीपल इन अर्कस इन दिस सेंटेंस जॉन इज अलाउन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन द क्लाउन हमने इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की है जॉन वो एक क्लाउन है सर्कस में सो so स्टूडेंट्स

The city. Next example. His dog's name is Pluto. So students, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कुत्ते की और उसका नाम क्या है Pluto. The dog's name. हमने यहाँ पर किसकी बात की है डॉग्स नेम और वो डॉग का नेम क्या है प्लूटो So, students, in this sentence, we are talking about Pluto, the dog. Pluto is the special name for the dog. All proper nouns begin with a capital letter. Students, here you can see John, Mumbai, Pluto. So, in sab ka first letter hai, J, M, and P. वो सब कैसे है कैपिटल लेटर दैट इज अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर स्पेशल नेम गिवन टू अ कंट्री सिटी रोड रिवर माउंटेन मॉन्यूमेंट फेस्टिवल एक्सेट्रा आर ऑल प्रॉपर नाउन कोई भी कंट्री सिटी रोड रिवर मॉन्यूमेंट फेस्टिवल उनका जब हम कोई नाम देते तो वो क्या हो जाता है प्रॉपर नाउन जैसे कि अवर कंट्री नेम इज़ इंडिया हमारे कंट्री का नाम क्या है इंडिया तो इंडिया यहाँ पर प्रॉपर नाउन बन गया फिर सिटी वी लीव इन भावनगर तो भावनगर एक सिटी का नाम है तो भावनगर इज अ प्रॉपर नाउन रिवर द गंगा इज द होली रिवर ऑफ इंडिया तो हमने यहाँ पर एक रिवर की बात की है कौन सी गंगा तो so, वो गंगा प्रॉपर नाउन हो गया माउंट एवरेस्ट इज द हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड तो हमने यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की बात की है सो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लेट सी सम मोर एग्जाम्पल

The Red Fort is situated in New Delhi. तो यहाँ पर Red Fort में R और F capital है। Why? Because it is the name of a monument. Even New Delhi is the name of a city. तो N और D capital है। But हमने यहाँ पर monument highlight किया है, तो उन्होंने Red Fort का R और F red color से लिखा है। But आप देख सकते हो कि New Delhi is also a proper noun. तो वहां पर एन एंड डी आर बोथ इन कैपिटल ओके माई स्कूल इज ऑन महात्मा गांधी रोड तो यहां पर रोड का नाम दिया है महात्मा गांधी रोड तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि महात्मा में एम गांधी में जी और रोड का आर तीनों कैसे है कैपिटल लेटर सो इट मीन्स डेट एवरी कैपिट every proper noun begins with a capital letter students now open your comprehensive language learning series semester 1 all of you have opened it okay students now come to page number 29 which page number 29 खोला सबने पेज नंबर ट्वेंटी नाइन ओके स्टूडेंट्स। राइट हियर टूडेज डेट यहाँ पर सब लोग अपनी आज डेट लिखो ओके ऑल ऑफ यू हैव रिटन नाउ लेट्स रीड प्रॉपर नाउंस। द स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्सन और प्लेस animal or thing is called proper nouns the proper nouns always begin with a capital letter students हमने already discuss कर लिया है कि proper noun क्या है तो जब कोई person place animal thing को एक special name दिया जाए तो वो उसका proper noun कहते हैं और वो हमेशा capital letter से begin यानी कि स्टार्ट होते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा रहेगा कैपिटल लेटर अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू नाउ लेट्स मूव टू द आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो हमें ये सेंटेंसेस रीड करने हैं और उसमें से प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करना है और जो प्रॉपर नाउन है उसके नीचे हमें क्या करना है अंडरलाइन ओके स्टूडेंट्स सो आर यू ऑल रेडी नाउ लेट्स रीड नंबर वन लंडन इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम लंडन इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम सो स्टूडेंट्स यहां पर कौन कौन से प्रॉपर नाउन्स है स वेरी गुड लंडन एंड यूनाइटेड किंगडम तो हम कहाँ कहाँ पर लैंड करेंगे लंडन के नीचे एंड यूनाइटेड किंगडम ओके नंबर टू माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पिक ऑफ द हिमालयास माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पिक ऑफ द हिमालयास तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन कौन से प्रॉपर नाउन है माउंट एवरेस्ट एंड हिमालयस तो हम माउंट एवरेस्ट और हिमालयस के नीचे अंडरलाइन करेंगे नंबर थ्री राम वॉज द सन ऑफ दशरथ वो वॉज द किंग ऑफ अयोध्या भगवान राम दशरथ राजा के बेटे थे और वो अयोध्या के राजा थे तो स्टूडेंट्स अब आप बताओ कि इनमें से कौन कौन से प्रॉपर नाउन्स है यस yes. राम दशरथ एंड अयोध्या माय फेवरेट क्रिकेटर इज सचिन तेंदुलकर तो मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है सचिन तेंदुलकर तो वो क्रिकेटर का नाम है तो हम सचिन तेंदुलकर के नीचे लाइन करेंगे अशोका वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ इंडिया अशोका इंडिया के एक बहुत बड़े किंग थे तो यहाँ पर कौन कौन से प्रॉपर नाउन है अशोका जो किंग का नाम है और इंडिया जो कंट्री का नाम है अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज अंडरलाइन द कॉमन नाउंस एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस कॉमन नाउन के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे और जो प्रॉपर नाउन है उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे सो नाउ लेट्स रीड नंबर वन रानी इज अ ब्यूटिफुल सिंगर तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे बोले कि रानी एक बहुत अच्छी सिंगर है तो रानी वो सिंगर का नाम है तो रानी हो गया प्रॉपर नाउन तो उसके ऊपर हम करेंगे सर्कल स्टूडेंट्स मेरे से इस पर भी हो गया है बट आपको सिर्फ रानी के ऊपर ही करना है वंस सके आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ सर्कल ऑन रानी ओके एंड सिंगर कॉमन नाउन है तो सिंगर के नीचे अंडरलाइन अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू नंबर टू मोहित इज एन ऑनेस्ट बॉय मोहित एक ईमानदार लड़का है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मोहित लड़के का नाम है और बॉय इज अ कॉमन नाउन तो मोहित इज प्रॉपर नाउन तो मोहित के ऊपर हम क्या करेंगे सर्कल क्या करेंगे मोहित के ऊपर सर्कल और बॉय के नीचे अंडरलाइन नंबर थ्री द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया गंगा इंडिया की एक पवित्र नदी है तो यहाँ पर दो प्रॉपर नाउन है कौन कौन से गंगा एंड इंडिया तो वो हम उनके ऊपर क्या करेंगे सर्कल क्या करेंगे सर्कल तो गंगा इज अ प्रॉपर नाउन तो उसके ऊपर सर्कल इंडिया इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन तो वहां पर भी सर्कल और रिवर एक कॉमन नाउन है तो उसके नीचे अंडरलाइन अंडर स्टूड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट नाउ आई है इज योर होमवर्क ओके सो यू हैव टू ट्राई दिस एट योर होम